गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लेसन 7 द ब्रेड का जो बचे हुए क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और एक्सरसाइज 3 एंड 4 को कंप्लीट भी करेंगे। तो देखिए, जो एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चन का आंसर छूट गया था, सबसे पहले हम लोग उसे जान लेंगे। तो फर्स्ट है, अभी व्हाट डिड सोनियाज मदर फाइंड इन द ब्रेड, सोनिया की माँ ब्रेड में क्या पाई। आंसर है, इन द ब्रेड सोनियाज मदर फाउंड ए फ्यू 5 रुपीज क्वाइन। सोनिया की माँ पावरोटी में 5 रुपए की कुछ सिक्के पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आई, व्हाट डिड सोनियाज मदर टेल हर टू डू, सोनिया की माँ ने उसे क्या करने के लिए कहा। आंसर है, सोनियाज मदर टोल्ड हर टू रिटर्न बैक द क्वाइंस टू अंबिका प्रसाद। सोनिया की माँ ने उसे कहा कि वह अंबिका प्रसाद को क्वाइंस को वापस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जे, व्हाई डिड द चिल्ड्रन फाइट अमंग देमसेल्व्स आफ्टर वार्ड, बच्चे आगे से क्यों लड़ने नहीं लगे, क्यों लड़ाई बंद कर दिए, क्यों झगड़ा नहीं करने लगे। आंसर होगा, द चिल्ड्रन डिडंट फाइट अमंग देमसेल्व्स आफ्टर वार्ड्स बिकॉज द न्यूज ऑफ सोनियाज गेटिंग द क्वाइन एज रिवार्ड वेंट अराउंड अमंग द चिल्ड्रेन। आगे से बच्चे इसलिए नहीं लड़ने लगे क्योंकि सोनिया के द्वारा कि कभी ना लड़ने की वजह से उसे जो पुरस्कार मिला या खबर सारे बच्चों के बीच में फैल गई, जिसके कारण वे लड़ना बंद कर दिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका सेकेंड एक्सरसाइज 2, ड्रामाटाइज द स्टोरी ऑफ द गर्ल। यहाँ पे इस कहानी को ड्रामा करना है जो कि स्टेज में होगा, इसलिए ड्रामाटाइज ये हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 में कहता है राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली उसे 3 वाक्यों में लिखना है। तो आप क्या क्या सीख, आपने क्या सीखा, आप खुद से भी लिख सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे बताया है वो भी आप लिख सकते हैं और आप खुद से भी लिख सकते हैं। We learn from this story that we should never fight among themselves. हम इस कहानी से यही सीख मिलता है हमें कि हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। We have to always thank them who helps us. उन्हें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए जो हमारा मदद करते हैं। And we should always be honest. और हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। तो ये आपका 3 words 3 sentences में आपका ये एक्सरसाइज 3 का भी आंसर कम्प्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4 है से ट्रू और फॉल्स, सही और गलत बताना। तो फर्स्ट है, अंबिका प्रसाद वाज द ओनली रिच मैन इन द विलेज, अंबिका प्रसाद उस गांव का एक अकेला धनी व्यक्ति था। तो ये फॉल्स होगा क्योंकि उस गांव में बहुत सारे धनी व्यक्ति थे जिसमें से एक अंबिका प्रसाद भी थे। बी, सीतापुर वाज ए स्मॉल टाउन, सीतापुर एक छोटा शहर था। तो सीतापुर एक शहर नहीं था, वह एक गाँव था, इसलिए ये भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट सी, अंबिका प्रसाद कलेक्टेड द पुअर अनएम्प्लॉयड मेन एंड गेव देम वर्क, अंबिका प्रसाद ने गरीब बेरोजगार व्यक्तियों को इकट्ठा किया और उन्हें काम दिया। तो ये फॉल्स होगा क्योंकि अंबिका प्रसाद ने बच्चों मतलब गरीब लोगों को कलेक्ट नहीं किया, उन्होंने ओवरसीज अपॉइंट किया और ओवरसीज अपॉइंट करने के बाद उन्होंने उसको वर्क दिया था कि पुअर अनएम्प्लॉयड मैन को कलेक्ट करने के लिए, इसलिए ये भी फॉल्स होगा क्योंकि अंबिका प्रसाद किसको अपॉइंट किया था, ओवरसीज को, और ओवरसीज को कलेक्ट करना था पुअर अनएम्प्लॉयड मैन को, इसलिए यह भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट है डी, सोनियाज मदर टुक द ब्रेड एंड ब्रोक इट, सोनिया की माँ पावरोटी ली और उसे तोड़ी, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट ई, अंबिका प्रसाद टोल्ड द चिल्ड्रन टू टेक ए लॉ फेज, अंबिका प्रसाद ने प्रत्येक बच्चे से कहा एक एक पावरोटी लेने के लिए, ये भी आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट है, ऑल द चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट थैंकिंग द लैंड लॉर्ड, सारे बच्चे जमींदार को बिना धन्यवाद दिए चले गए, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि एक छोटी लड़की सोनिया थी जो हमेशा धन्यवाद देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सोनिया टुक वन ऑफ द बिगेस्ट लॉफ्स इन द बास्केट, सोनिया बास्केट में से ही बड़ा पावरोटी ली, सबसे बड़ा पावरोटी ली, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो हमेशा छोटा पावरोटी और सबसे अंत में लेती थी। नेक्स्ट है एच, ऑल द चिल्ड्रेन गॉट ए क्वाइन एच, हर एक बच्चे को एक एक क्वाइन मिला, तो ये गलत है, फॉल्स होगा। द चिल्ड्रेन बिहेव्ड वेरी वेल आफ्टर वर्ड्स, बच्चे आगे से बहुत अच्छा व्यवहार करने लगे, ये ट्रू होगा।
नेक्स्ट है जे, अंबिका प्रसाद अरेंज्ड फॉर ए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अंबिका प्रसाद भोजन देने के संबंध में एक प्रोग्राम का, एक कार्यक्रम का आयोजन किया, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है क्लाउजेस, और क्लाउजेस उसके बाद है एक्सरसाइज 5। तो जब तक हम क्लाउजेस के बारे में नहीं जानेंगे, एक्सरसाइज 5 हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले क्लाउजेस को देखेंगे, जो एक ग्रामर का पार्ट है आपका। तो इसे, क्लाउजेस को समझने से पहले आपको सेंटेंस को जानना जरूरी है। मैंने सेंटेंस आपको पढ़ा दिया है, सेंटेंस के बाद आप फ्रेज को भी जान लीजिए, उसके बाद आपको क्लाउज समझने में बहुत ही आसान होगा, और आप जब समझ जाएंगे तो सारे एक्सरसाइज आप खुद भी बना पाएंगे। तो जितना भी पढ़ाया जाता है आप रिविजन करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए।